गुना शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत रसीद कॉलोनी में एक युवक की शराब के नशे में चाकू घोप कर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि इस हत्याकांड में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। फरियादी अकेश पुत्र श्री स्वर्गीय गेंदालाल जाट उम्र 32 साल निवासी पटेल नगर कैंट गुना ने पुलिस को बताया कि दिनांक 5/5/2023 को मेरे ताऊ के लड़के कल्ला जाट एवं सोहेल खान का झगड़ा हो गया था। सोहेल से बात करने के लिए आज रात करीबन 9:30 बजे में तथा मेरे ताऊ का लड़का गोलू तथा कल्ला जाट रशीद कॉलोनी में रेलवे पटरी के पास में मंदिर के पास खाली पड़े प्लॉट पर गए थे, जहां कल्ला जाट एवं सोहेल खान का राजीनामा हो गया था, तो वे दोनों वहीं बैठकर शराब पीने लगे थे। मैं तथा गोलू वहीं पास में मंदिर पर बैठे थे, तभी कल्ला जाट एवं सोहेल खान के बीच कल की बात को ही लेकर दोबारा झगड़ा होने लगा एवं दोनों एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देने लगे। इसी बात पर सोहेल ने अपने पास लिया चाकू कल्ला की कमर में घोप दिया, जिससे कल्ला के चोट लगकर खून निकलने लगा। कल्ला घायल होकर रशीद कॉलोनी में अंदर की तरफ भागा तो गोलू उसके पीछे पीछे गया एवं सोहेल स्टेशन तरफ भागा, जिसका कुछ दूर मैंने पीछा किया लेकिन अंधेरा होने के कारण मैं वापस आ गया। वापस आकर देखा तो कौशल पब्लिक स्कूल के पास कल्ला रोड पर पड़ा हुआ था। फिर हम लोग उसे सरकारी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इधर परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड में ज्यादा लोग शामिल हैं, क्योंकि एक अकेला आरोपी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि मृतक भी उसके साथ झगड़ा कर सकता था। और हमला करने के बाद उसके साथ कुछ और अन्य लोग जो दुखी हुए थे वहीं पास में, वो साथ में आए, पीछे से उनने भी उसकी वारदात की है। एक इंसान को 8 चाकू लगे, एक इंसान तो मार नहीं सकता क्योंकि वो भी इंसान ही था, वो भी उसके संग वारदात कर सकता था। लेकिन क्या है कि रात में तो हमको जब वहाँ थे उसके बाद हमें कुछ नहीं, अभी सब हम मौके पर पहुँचे, बाकी लोगों से हमने पूछा तो उन लोगों ने कहा था कि आप पुलिस के पास जाइए, CCTV फुटेज है यहाँ, वहाँ निकलवाइए। इसके साथ 4 अन्य और लोग भी थे, उनने इसके संग वारदात की है। इसके बावजूद ये लोग पटली पटली भागे हैं रसीद कॉलोनी, उनकी जो भी मांगे थी उनको लेकर हमने एक आवेदन ले लिया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जिसमें जांच चल रही है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही फिर आगे कार्रवाई होगी। परिजनों की क्या मांगे हैं? परिजनों की मांग ये है कि CCTV पर जो है वो दिखाया जाए और भी उनको संदिग्धों पर आशंका जो उनको दिखवा रहे हैं। उसके अलावा उनकी एक जो मेन मांग थी उनके जो है मकान तोड़े हैं, उनने आवेदन दे दिया है, जो भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।